नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटिंग यूट्यूब चैनल DMS। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था एलर्जी के बारे में, एलर्जी के कुछ टाइप्स, एलर्जी के कुछ साइन एंड सिम्टम्स। पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलर्जी होने पे दी जाने वाली कुछ मेडिसिंस। मेडिसिंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये सारे मेडिसिंस डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। तो सबसे पहला मेडिसिन आता है क्लोरफेनिरामाइन, जो कि एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। एंटी हिस्टामिन्स का मतलब होता है कि जो एलर्जी से लड़ता है या फिर एलर्जी होने पे दिया जाता है। यह क्लोरफेनिरामाइन सिप्रम नाम के ब्रांड नेम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब जानते हैं इसके कुछ यूजेज। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में इचिंग होना या वाटरी आइज होना, यानी कि आँखों से पानी आना, रनी नोज यानी कि नाक से पानी बहना, कॉमन कोल्ड यानी कि साधारण जुकाम, या फिर रेडनेस, बॉडी में इचिंग होना, ये सब चीज़ के लिए क्लोरफेनिरामाइन यूज़ किया जाता है। बट साथ साथ में इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे नौजिया हो गया, वोमिटिंग, डिजी यानी कि चक्कर आना, स्लीपी यानी कि नींद आना, या फिर हेडेक। इसके डोजेस की बात किया जाए तो ये 2 mg BD में यूज़ होता है यानी कि सुबह शाम, और 4 mg OD यानी कि दिन में एक बार यूज़ करना चाहिए। अगला मेडिसिन आता है लोराट्रेडिन नाम से, जो कि लोरेटेक 10 के ब्रांड नेम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह भी एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, जो कि इचिंग, वाटरी आइज, रनी नोज, कॉमन कोल्ड जैसे कॉमन सिम्टम्स के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेडिसिन के भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डिजी स्लिपनेस, हेडेक etc। ये एंटा हिस्टामिन मेडिसिंस के यूजेज और साइड इफ़ेक्ट्स लगभग सेम ही होते हैं, बस डोज चेंज होता है। जैसे कि लोराट्रेडिना में 10 mg OD में यूज़ किया जाता है, यानी कि यह मेडिसिन 10 mg सिर्फ दिन में एक ही बार यूज़ करना चाहिए। अगला मेडिसिन है सेट्रिजिन, जो कि सेट्रिजिन नाम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे कि इचिंग, वाटरी आइज, रनी नोज, कॉमन कोल्ड जैसे कॉमन सिम्टम में यूज़ किया जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात किया जाए तो नौजिया, हेडेक, वॉमिटिंग, डिजी, स्लीपी जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यह मेडिसिन भी 10 mg OD यानी कि दिन में एक ही बार यूज़ किया जाता है। अगला मेडिसिन है लिवोसेट्रिजिन नाम से, जो कि लिवोसेट नाम के ब्रांड नेम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह मेडिसिन भी बॉडी में कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि रनी नोज होना, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस, इचिंग, वाटरी आइज, रनी नोज, कॉमन कोल्ड। और इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजी, स्लीपी। बट यह मेडिसिन ओनली 5 mg OD में यूज़ किया जाता है, यानी कि दिन में एक बार सिर्फ 5 mg। इसके बाद है फेक्सोफेनाडीन, जो कि एलेग्रा नाम के ब्रांड नेम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके भी कुछ कॉमन यूजेज हैं, जैसे कि इचिंग, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस जैसे कुछ कॉमन सिम्टम्स होने पे ये यूज़ किया जाता है। और इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नौजिया, हेडेक,
स्टोमक पेन, डिजी, स्लीपी, ईटीसी। यह मेडिसिन 12 mg ओडी यानी कि 12 mg दिन में एक ही बार यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला मेडिसिन है बिलास्टिन नाम से, जो कि बिल बाई 20 नाम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके भी यूजेज हैं जैसे कि इचिंग, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस, रनी नोज, एटीसी, और इनके भी कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे नोजिया, हेडेक, स्टोमक पेन, डिजी, स्लीपी। बस इसके डोजेज हैं 20 mg ओडी यानी कि 20 mg दिन में एक ही बार यूज़ किया जाता है। अब हमारा आखिरी मेडिसिन है मोंटेलुकास्ट नाम का, जो कि मोंटेक एलसी नाम से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके भी कॉमन यूजेज हैं जैसे कि इचिंग, स्नीजिंग, बॉडी रेडनेस, रनी नोज जैसे सिम्टम्स में यूज़ किया जाता है, और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि नोजिया, हेडेक, स्टमक पेन, डिजी, हेडेक। बस इसके डोजेस चेंज होते हैं, जो कि इसमें 10 mg ओडी में यूज़ किया जाता है, जो कि दिन में एक ही बार यूज़ किया करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ने जाना कुछ एंटी हिस्टामिन मेडिसिन जो कि एलर्जी के लिए यूज़ होता है, उसके यूजेस, उसके साइड इफ़ेक्ट और उसके डोजेस। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।